बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज साल 2023 का आखिरी दिन है। तो साल 2023 के आखिरी दिन में भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज नंबर 32 जारी कर दिया गया है। आपको पता चलूँ कि ये अभी जो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, ये न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस वक्त पहले ये ऐड देख लें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2023। सबसे पहली जो जॉब्स है, ये ऑफिस ऑफ कमिश्नर सरगोधा डिवीज़न में आई है, ठीक है। ये एक ही जॉब है, कैशियर की एक पोस्ट है। इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अगर आप मेल हैं तो आपकी एज 18 से 30 साल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल है तो आप 18 से 33 साल अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरगोधा डिवीज़न में जो सरगोधा, बखर, खुशाब और मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स हैं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो वन पेपर होगा वो जॉब रिलेटेड होगा और साथ जनरल एबिलिटी का 50-50% का पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जॉब की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जॉब जो आई है वो आई है पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। ये 2 सीट्स हैं, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की। अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेल के लिए एज रखी गई है वो 35 साल तक रखी गई है, जो फीमेल के लिए है वो 38 साल रखी गई है। आप पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो 100 मार्क्स का पेपर है वो जनरल नॉलेज बेस पे होगा, यानी कि जिसमें करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ठीक है, इस तरह का पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जॉब जो है आपके पास वो है पंजाब फूड अथॉरिटी, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट में। तो इसमें 20 पोस्ट आई हैं अकाउंटेंट की, ठीक है, अकाउंटेंट की 20 पोस्ट आई हैं। इसमें अगर आपका बीए बीकॉम सेकंड डिवीजन और 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी भी जगह पर अकाउंटेंट का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेल के लिए एज रखी गई है वो 23 से 35 साल रखी गई है, और जो फीमेल के लिए रखी गई है वो 23 से 38 तक रखी गई है। पंजाब पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका बीकॉम के 50% बीकॉम के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और 50% जनरल एबिलिटी के होंगे। तो इसमें आप अप्लाई करने का वही तरीका है, ऑनलाइन जाके आप पीपीएससी की वेबसाइट से जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 600 रुपीज़ इसकी फ़ीस होगी, वो आप जमा करवाएंगे, ठीक है, एटीएम के ज़रिए या फिर बैंकिंग के ज़रिए। ये लिखा हुआ है सब कुछ, आपको पता भी है। अगर नहीं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है कि पोस्ट में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2024 है, 15 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़, आज का एड जो आपके साथ शेयर किया। ये रात तक पीपीएससी की वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सोचा उससे पहले आपको न्यूज़ दे दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।